राष्ट्रीय दलों को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अज्ञात स्रोतों से 3,377.41 करोड़ रुपए मिले, जो उनकी आय का कुल 70% हिस्सा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने यह जानकारी दी। ADR ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि भाजपा ने अज्ञात स्रोतों से 2,642 करोड़ रुपए, यानी कि कांग्रेस, रकापा, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस और बसपा समेत राष्ट्रीय दलों के बीच सबसे अधिक राशि है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भाजपा ने अज्ञात स्रोतों से 2,642 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की घोषणा की, जो अज्ञात स्रोतों से राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 78.24% हिस्सा है, यानी कि यह हिस्सा सबसे बड़ा है। ADR ने कहा कि कांग्रेस ने अज्ञात स्रोतों से 526 करोड़ रुपए की आय मिलने की घोषणा की, जो राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 15.57% हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय दलों को अज्ञात स्रोतों से प्राप्त 3,377.41 करोड़ रुपयों में से चुनावी बांडों से प्राप्त आय 2,993.826 करोड़ रुपए है, जो 88% बनती है। NDR ने कहा है कि 2004 और 5 और 2019 और 20 के बीच राष्ट्रीय दलों ने अज्ञात स्रोतों से 14,651 करोड़ रुपए हासिल किए। वित्त वर्ष 2004-05 और 19-20 के बीच कांग्रेस और राकापा को कूपनों की बिक्री से कुल 4,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की आय हुई। बता दें कि अज्ञात स्रोत ऐसी आय होती है जिसकी घोषणा आयकर रिटर्न में की तो जाती है, लेकिन 20,000 से कम के चंदे का ब्यौरा नहीं होता। ऐसे अज्ञात स्रोत में चुनावी बांडों से चंदे, कूपनों की बिक्री, राहत कोष, विविध आय, स्वैच्छिक दान और बैठकों, मोर्चों से चंदा आदि शामिल है। स्वैच्छिक दान वाले ऐसे दानकर्ताओं का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाता।